जय माता दी, जय भोलेनाथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना आ गया है और सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसमें हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन पे अभिषेक करते हैं, फल फूल अर्पित करते हैं ताकि वो प्रसन्न हों और हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाए। तो आज हम बात करेंगे कि हमें भगवान शिव की जो उपासना हम करते हैं उसमें फूल पौधों का क्या महत्व है। भगवान शिव की उपासना में बिलव पत्थर का चढ़ाना यानी कि बेल पत्थर का चढ़ाना बहुत ही शुभ और पुण्य देने वाला होता है। बिलव पत्थर का शिव पर चढ़ाना जन्म जन्मांतर के पाप और दोषों का नाश करता है, किंतु शिव पुराण के अनुसार बिलव पत्थर के साथ और भी दूसरे फूल पौधे जिन्हें भगवान शंकर पर चढ़ाकर कई गुना फल मिलता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नोट कीजिए कि किस फल और फूल को चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। शास्त्रों के मुताबिक शिव पुराण में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना यानी कि जिसको आंक का फूल भी कहते हैं सोने के दान के बराबर, उससे हमें फल प्राप्त होता है। इसी तरह यदि 1000 आंकड़े के फूल हम चढ़ाएंगे तो एक कनेर का फूल चढ़ाएंगे तो उनसे हमें समान फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको कनेर का फूल उपलब्ध है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। 1000 कनेर के फूल के बराबर एक बिलव पत्थर यानी कि बेल पत्थर से हमें फल प्राप्त होता है। तो अगर आपको कनेर के फूल जो आप 1000 फूल चढ़ाते हैं उसके बदले आप एक बेल पत्थर चढ़ा सकते हैं, दोनों का फल समान है। 1000 बेल पत्थरों के बराबर एक द्रोणा या जिसको गुमा कहते हैं का फूल हमें समान फलदायी होता है। 1000 गुमा के फूल के बराबर शुभ फल एक चिड़चिड़ा चढ़ाने से भी हमें मिल जाता है। 1000 चिड़चिड़ा के बराबर शुभ फल एक कुशा का फूल चढ़ाने से हमें प्राप्त होता है। 1000 कुशा फूलों के बराबर फल एक शमी का पत्ता चढ़ा देने से भी हमें प्राप्त होता है। 1000 शमी के पत्तों के बराबर शुभ फल एक नील कमल देता है और 1000 नील कमल से ज़्यादा फल हमें एक धतूरे का फल चढ़ाने से प्राप्त होता है। और यदि हम 1000 धतूरों को चढ़ाते हैं उससे जो फल मिलता है वह एक शमी के फूल के शुभ और पुण्य फल के बराबर होता है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी फूल जो मैंने नाम लिए, वो आप भगवान शिव पे अर्पित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपके भाव हैं। आप बिना किसी वैर भाव अपने भले के लिए, अपने हित के लिए अगर कोई मनोकामना मांग रहे हैं जिससे किसी अन्य का कोई भी बुरा ना हो तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। आप श्रद्धा भाव से अगर मानसिक फूल भी अर्पित करते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जब भी आप ये फूल अर्पित करें तो मानसिक रूप से या उच्चारण के साथ भी भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो महिलाएं पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय और पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करें। अन्यथा आप ये भी नहीं बोल सकते, आपको उच्चारण नहीं आता है तो आप जय भोलेनाथ भी बोल सकते हैं। खुश रहिए, ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।